याद करो तो बाबू, वेक्टर को रिजॉल्व करना सिखलाया था ना पहले, तो वेक्टर का एडिशन सिखलाया गया था, वेक्टर को ऐड करना सीखे थे। वेक्टर जब ऐड करते थे तो बहुत सारे वेक्टर को ऐड करके हम लोग एक रिजल्टेंट निकालते थे, एक वेक्टर आता था। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ऐड करते थे तो वेक्टर ही ना मिलता था हम लोग को। एक वेक्टर को चाहे कितने भी वेक्टर में ऐड करो तो वेक्टर को सम वेक्टर करोगे तो वेक्टर ही ऐड ना, रियल नंबर को रियल नंबर में ऐड करते रियल नंबर ही आएगा ना। दो गुआवा में इधर से ला करके चार और भी डाल दो गुआवा तो कितना बोलोगे, छह ही गुआवा बोलोगे ना। तो ये सब छोटा मोटा सा चीज़ है, सब तो पढ़ा हुआ हो रहा है आप लोग का तो पता ही होगा। बस इतना याद रखना, वेक्टर को जोड़े तो वेक्टर मिला। अब रिजोल्यूशन में क्या करें कि जो भी कोई वेक्टर है उसको हम लोग रिजोल्व करेंगे। क्या करेंगे उसको रिजोल्व करेंगे, मतलब बांटेंगे। कितने भाग में बांटेंगे? दो भाग में, क्योंकि हम लोग वेक्टर रिजोल्यूशन जो पढ़ रहे हैं वो केवल हम लोग इन अ प्लेन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इन अ प्लेन। इन स्पेस की बात तो पूछा नहीं जाता, लेकिन अंत में डिस्कस थोड़ा बहुत कर दूंगा स्पेस का ना। याद करना, एक वेक्टर की अगर बात करते थे हम लोग, ये क्या था? वेक्टर था ना बाबू, वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ए वेक्टर का क्या होता था? टेल। और ए वेक्टर का क्या होता था? हेड। याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलते थे? याद कीजिए जरा, यहाँ पे याद है ना, वेक्टर का क्या है? वेक्टर का टेल। और ए वेक्टर का क्या है? हेड। तो जब भी वेक्टर को रिजोल्व करोगे तो कहाँ से रिजोल्व करोगे आप? कहाँ से रिजोल्व करोगे आप? याद रखना, टेल से ही प्रेफर करना। समझ में आ रहा है? वेक्टर को जब भी रिजोल्व करोगे तो टेल से ही प्रेफर करना। और जब रिजोल्यूशन करोगे तो कैसे रिजोल्व करते हैं हम लोग? याद पता होगा आप लोग को, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में? दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। तो आप हर जगह क्या सेट करते थे? आपका प्लेन का जो सिस्टम है, आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, वही ना सेट करते हो। इसको एक्स बोलते हो, इसको क्या बोलते हो? एक्स डैश। ये क्या होता है? वाई और एक वाई डैश। दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड दिस इज वन इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। What about that? This is the positive direction of y-axis and this one is negative direction of y-axis. Is it? Very good. तो आप क्या करो, कहीं पे भी अगर वेक्टर रिजोल्व करना है, जैसे इसको रिजोल्व करना है, अभी हम लोग एक यहीं पे सीख रहे हैं, प्लेन में रिजोल्व करना सीख रहे हैं ना। तो जब भी वेक्टर को रिजोल्व कीजिए तो इसका टेल को कहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए? यहाँ पे इसके ओरिजिन पे शिफ्ट कर दीजिए, उस सिस्टम कंसिडर किए हुए। मेंटली करना है ऐसा, कुछ जरूरी नहीं उठा करके वहीं पे ले जाना। अब यहीं पे है तो यहीं पे सिस्टम को ला करके स्लाइड करके यहाँ पे ला कर रख सकते हैं कि नहीं, या फिर यही चीज़ को यहाँ पे ला कर रख सकते हैं कि नहीं? तो बताइए, एक कोई एक वेक्टर यही हो गया ना, वेक्टर बाबू। मैं मान लेता हूँ वेक्टर का नाम हम लोग शायद बोले थे ओपी, याद है आप लोगों ना? ओपी वेक्टर बोले हुए थे। एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा होगा और वाई एक्सिस से भी कुछ एंगल बना रहा होगा ना। तो वेक्टर को रिजोल्व करने के लिए बताया था, इस वेक्टर को रिजोल्व कर रहे हैं। तो बताइए जरा, कितने भाग में रिजोल्व कर रहे हैं हम लोग? दो। कौन सा कंपोनेंट? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोला जाता है ना। मतलब वेक्टर को दो दो भाग में तोड़ रहे हैं, भाग जो होगा जो दो पार्ट्स में तोड़ रहे हैं उसी को हम लोग कंपोनेंट बोल देते हैं। इज इट? तो इसका दो कंपोनेंट होता था ना, याद करो। इधर जो थीटा होता था उसके साथ कौन सा जाता था? याद है ना आप लोग को? यही ना होता था? यहाँ से यहाँ कौन सा जाता था? ये कौन सा हो जाता था बाबू? ये ओ पी कॉस थीटा। ये सब मैं बताया हूँ शायद, याद है ना? और यहाँ पे जो जाता था इसके अलावा, देख रहे हो, ये कौन सा हो जाता था? ओ पी साइन थीटा। याद रख, जिसको रिजोल्व किए हो, जिसको रिजोल्व करे हो आप, ओपी वेक्टर को रिजोल्व कर रहे हो, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो बना है, दोनों कंपोनेंट कैसा कंपोनेंट है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं? ओपी कॉस थीटा इज परपेंडिकुलर टू ओपी साइन थीटा और नॉट? तो ऑब्वियस है ए इसका परपेंडिकुलर होगा। तो कंपोनेंट्स हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, कंपोनेंट्स आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कहां पे बात कर रहे हैं हम लोग? इन अ प्लेन बात कर रहे हैं। बात समझ में आता है? तो ओपी वेक्टर को आप रिजोल्व करना सीख गए थे शायद। ओपी वेक्टर क्या होता था बताइए? ओपी कॉस थीटा कौन सा कैप? आई कैप। और प्लस ऑफ व्हाट? ओपी साइन थीटा कौन सा कैप बाबू? जे कैप। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? ओपी वेक्टर का अगर मैं बोलूं स्केल बोला जाता था, स्केलर कंपोनेंट्स बोलते थे। स्केलर कंपोनेंट्स क्या हो जाता था? ओपी कॉस थीटा, याद है ना, और ओपी साइन थीटा। अगर वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ओपी मैं बोलूं तो क्या हो जाएगा बताइए जरा? ओपी कॉस थीटा आई कैप एंड ओपी साइन थीटा जे कैप। आई कैप खुद बोल रहा है कि मैं किधर हूँ, एक्स एक्सिस के अलोंग हूँ। और जे कैप खुद क्या बोलता है? मैं किधर हूँ, याद है ना? अच्छा, एक यहाँ थंब रूल बताया था, याद होगा आप लोगों को। वेक्टर को कैसे रिजोल्व करते हैं? वेक्टर इज ऑलवेज रिजोल्व्ड। या कौन सा वेक्टर को रिजोल्व करना है पता है ना? दोज वेक्टर्स आर रिजोल्व्ड विच आर नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ये तो बात पता था। अच्छा, यहाँ से तो सीखे ना, ये नहीं कि कभी आपको अगर कोई वेक्टर अगर मिल गया तो रिजोल्व करोगे। जैसे देख रहे हो ना, इसको रिजोल्व कर रहे, ए थीटा रहा तो ये कौन सा? ओपी, मान लेता पी नाम लिया था, ये क्या हो गया था? ओपी कॉस थीटा। तो याद रखना, ऐसे मत रिजोल्व कर देना इधर ओपी साइन थीटा हो जाएगा। ये जिस वेक्टर को रिजोल्व कर रहे हो क्या होगा? ओ हमेशा क्या होगा?
जो इस वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हो उसके क्या होगा, कंपोनेंट्स होंगे, वो क्या होंगे बताओ, उन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में नहीं होगा बाबू, क्योंकि इन दोनों का सम करके नहीं बना है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन इन बिटवीन द वेक्टर्स, यही ना बताया था। तो ए भी तो एक वेक्टर ही ना है, अगर इधर ओपी कॉस थीटा है तो ओपी साइन थीटा नीचे नहीं लोगे ना, ये सब कंफ्यूजन में मत रहना, ये क्या हो जाता है, इधर ना ओपी साइन थीटा है बाबू, तो जो रिजोल्व करोगे हमेशा कंपोनेंट के बीच में ही ना जो वेक्टर होगा, जिस वेक्टर को आप रिजोल्व किए हो हमेशा कहां पे एग्जिस्ट करेगा, वो कंपोनेंट के बीच में, हमेशा किधर, कंपोनेंट के बीच में। बात समझ में आया, इसमें कोई शक नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा, ये सब चीज बता दिया गया था, कुछ एग्जांपल में लिया था क्या, शायद बताओ जरा, जैसे देखो ये क्या था आपका, इसको हमने क्या माना, एक्स एक्सिस ना बाबू, ये क्या है ओरिजिन, क्या है ओरिजिन, ये क्या है एक्स डैश और ये क्या है वाई डैश, क्लियर, कोई बात नहीं। चलो वेक्टर को रिजॉल्व करो ऐसे, बहुत सारे वेक्टर्स कंसीडर करे हुए हैं ऐसे, चलो अभी तक यहीं पे देखते हैं ना, कितना वेक्टर है बताइए, पहला वेक्टर मान लो ए, छोटा ए बी और ये क्या सी, मुझे लगता है इसको छोटा छोटा मोटा इलस्ट्रेशन लिया था शायद लास्ट क्लास में, याद है ना। अच्छा अब बताइए यहाँ पे कौन कौन सा वेक्टर है बताइए, पहला वेक्टर कौन सा है बाबू, फर्स्ट वेक्टर कौन सा है ओ ए, सेकेंड वेक्टर ए बी और थर्ड वेक्टर बी सी, ऐसे रहा। अगर मैं बोलूं कि रिजल्टेंट बताइए, रिजल्टेंट वेक्टर बताइए सबका, तो याद करो फर्स्ट वेक्टर का टेल से लास्ट वेक्टर का हेड की तरफ ही ना जाएंगे, तो फर्स्ट वेक्टर का टेल से जाओगे और लास्ट वेक्टर का हेड की तरफ जाओगे तो दैट विल बी गिवन बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट व्हिच विल डायरेक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो ये ओसी वेक्टर हो जाएगा कि नहीं, अरे ओसी वेक्टर होगा ना। अब बात यहाँ है कि हम लोग को रिजोल्व करना है, आप खुद बताओ इसमें कौन कौन सा वेक्टर रिजोल्व करेंगे, मैं चाहता हूँ कि ओए को लिखूं अलग अलग तरीका में, ए बी को अलग अलग तरीका में, अलग अलग तरीका मतलब कंपोनेंट के फॉर्म में ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग लिखूं, ठीक है। तो बताइए ओए को रिजोल्व कर, जैसे मान लेता हूँ समझाने के लिए केवल मैं ले लेता हूँ कि 37 डिग्री है, कितना है 37 डिग्री, और यहाँ पे जो है ऐसा माना गया है क्या है इतना, एक कितना है 53 डिग्री, ऐसा सपोज कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं सपोज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ये कितना है 53 डिग्री, समझ आ रहा है ना बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो बताओ ओए वेक्टर रिजॉल्व करेंगे, बिल्कुल रिजॉल्व करेंगे, क्यों रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि नहीं एक्स एक्सिस के पैरेलल है और नहीं एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। ए बी वेक्टर रिजॉल्व करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। बी सी वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, बिल्कुल करेंगे क्योंकि ये नहीं एक्स एक्सिस के पैरेलल है और नहीं परपेंडिकुलर। बात समझ में आता है, आप आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहा। चलिए ध्यान से दीजिए, देखिए बताइए जरा यहाँ पे एक देखो, इसको रिजॉल्व करोगे, किसको रिजॉल्व किया हमने, एक ही डायग्राम में समझ में आ जाएगा ना, ओ ए को रिजॉल्व करेंगे तो ए इधर वाला कंपोनेंट कितना बाबू, ओ ए कॉस 37 डिग्री आई कैप, तो इसको लिख सकते हैं यहां से यहां जो गया वो क्या हो गया, ओ ए कॉस 37 डिग्री आई। अच्छा ये बताओ स्केलर है या वेक्टर है, अरे ये भी वेक्टर ही ना है क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्टेड है इसलिए आई कैप ले लिया हमने। अच्छा ये बताओ, बताइए मैं इसलिए क्यों पूछा, ए क्यों पूछा कि वेक्टर है, क्यों, क्योंकि दो वेक्टर का एडिशन करते तभी ना वेक्टर आता है जी, तो ए कॉस 37 डिग्री आई कैप। अच्छा इधर बताइए, आप खुद बताइए यहां से यहां क्या हो जाएगा बताइए, ओ ए साइन 37 डिग्री कौन सा कैप बाबू, जे कैप, वाह वेरी गुड। अच्छा अब इसको रिजोल्व करने की जरूरत है, ए बी वेक्टर को क्या लिखेंगे डायरेक्ट, ए बी वेक्टर को डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, ए बी कौन सा कैप आई कैप, क्लियर, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग इंड वेक्टर कंसीडर्ड है हमारा, क्या है आई कैप, और वाई एक्सिस के लॉन्ग, क्लियर। अच्छा ये बताइए बीसी है, बीसी को रिजोल्व कीजिएगा बाबू, बीसी को रिजोल्व करें या नहीं करें, रिजोल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वही जवाब, नहीं एक्स एक्सिस के पैरेलल है, नहीं एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो बात याद रहेगा यहाँ पे क्या हो गया बाबू बताइए, इधर कौन सा, चलो बीसी कौन सा कॉस कौन सा 53 डिग्री आई कैप, समझ में आ रहा है ना, और इधर कौन सा कंपोनेंट चला जाएगा, BC साइन 53 डिग्री कौन सा कैप, शुभम समझ आ रहा है। अब ये सोचना कि यहाँ पे नहीं, मेंटली आपको शिफ्ट कर रहे हो, मेंटली ये सिस्टम जो है शिफ्ट करते जा रहे हो हर जगह, समझ आ रहा है, मेंटली ये क्या है, आप आगे चल के बहुत कुछ सीखोगे, मेंटली शिफ्ट करते जाना है हर जगह जहां पे भी जाएगा, अच्छा रिजोल्व करना है, अच्छा इसको सीधे यहीं पे सेट कर दो ना, तो क्या रिजोल्व वहां पे पता चलेगा, अच्छा कहां पे शिफ्ट करोगे, तो टेल पे शिफ्ट करेंगे, कहां पे शिफ्ट करेंगे, टेल पे शिफ्ट करेंगे, क्लियर है ना, समझा पा रहा हूँ, तुम लोगों को दिक्कत नहीं ना बाबू,
तो ये हो गया, बहुत सिंपल सा बात रहा। अब अगर सब वेक्टर को हम लोग इसके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे बताइए जरा। ओ ए वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा बताइए बाबू? ओ ए वेक्टर लिख सकते हैं ना, ओ ए साइन 37 डिग्री, कौन सा कैप? आई कैप, सॉरी जे कैप, और ओ ए कॉस 37। इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा, पहले आई लिखूं या जे, एडिशन तो एडिशन ही होता है ना, इट फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ, गॉट इट? वेक्टर एडिशन आल्सो फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ। नहीं, वेक्टर ए को वेक्टर बी में ऐड करो, वेक्टर बी को वेक्टर ए में ऐड करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ता है। चलिए अच्छा, वेरी गुड। बताइए जरा ए बी वेक्टर लिख सकते हैं बाबू आप? ए बी वेक्टर बताइए, ए बी वेक्टर क्या होगा बताइए, कौन सा कैप? ए बी आई कैप, ए बी आई कैप। अब बताओ बी सी वेक्टर को रिजोल्व करेंगे तो बी सी वेक्टर को रिजोल्व कर रखे हैं ना बाबू, बताइए कौन सा कैप? बोलो 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 जल्दी बोलो। अच्छा वेरी गुड, बी सी साइन कौन सा कैप? अगर 53 लिख रहे हैं तो लिखिए पहले 53 जे कैप प्लस बी सी कॉस 53 डिग्री आई कैप, कोई प्रॉब्लम? अरे हुआ। अगर आपसे पूछ ही दिया कि बताइए ओसी वेक्टर बताइए, मैं तो ये रिजोल्यूशन ना रहा, अगर कोई पूछ ही दे आपसे कि बताइए ओसी वेक्टर क्या होगा, तो बाबू ए बी आई जे के फॉर्म में है, ए बी आई जे के फॉर्म में है, ए बी आई जे के फॉर्म में है, तो ओ सी भी आई जे के फॉर्म में आ नहीं जाएगा। याद करो पॉलीगोन लॉ वेक्टर एडिशन पढ़ाया गया कि नहीं, ओ सी वेक्टर किसके बराबर आओ? ओ ए वेक्टर प्लस कौन सा वेक्टर? ए बी वेक्टर प्लस कौन सा? बी सी वेक्टर। देख रहे हो कि नहीं, समझ आया? ए ए कॉमन रहा कि नहीं, ओ ए प्लस ओ ए बी, ओ बी वेक्टर दे दिया और बी कट गया ना, तो ओ सी वेक्टर दे दिया कि नहीं दिया जी? ये सब पढ़ाया हुआ है ना अच्छे से, मेरा स्टूडेंट लोग तो पता कर ही लेगा, ऐसा डायरेक्ट पता कर लेगा क्या ओसी वेक्टर है कि नहीं। बात समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे अगर कोई बोल देगा बताओ जरा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर है, बताओ ये कौन सा वेक्टर है, तो आप लोग आराम से बता दोगे? अरे बेवकूफ, ए बी बी सी सी डी, अच्छा बी, अच्छा सी, तो क्या वेक्टर? ए डी वेक्टर नहीं हो गया ये? ओरली बता दोगे? बनाने पिक्चर बनाने की जरूरत पड़ेगा? अरे बनाने की जरूरत पड़ेगा, तो पढ़ा कौन रहा है? ये सब बात ध्यान रखना है। चलो ठीक है, समझ में आया? तो अब लिख सकते हो, आगे ऐड कर सकते हो ना? अरे आगे ऐड कर सकते हो ना? अब आगे क्या करना सीखना हो, एडिशन सीख लूं मैं, फर्दर यू कैन डू इट योरसेल्फ। क्लियर? एक कोई क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है? एग्जांपल, एग्जांपल जो भी ना, मान लेता हूँ 8 न्यूटन, कितना है एक मिनट, 10 न्यूटन दे देता हूँ। हाँ देता हूँ, एंगल बिटवीन द 30 डिग्री, फिर इससे एक परपेंडिकुलर वेक्टर गया है, इससे कितना परपेंडिकुलर वेक्टर ना, या तो ऐसा नहीं परपेंडिकुलर नहीं देते, ऐसा करते हैं ना, एक वेक्टर गया है ऐसे, वो यहाँ से 60 डिग्री बना रहा है, यहाँ से कितना y एक्सिस से कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है? ये भी 10 न्यूटन का, ये तो कितना है 10 न्यूटन। और एक और वेक्टर है जो ऐसे है, और यहाँ से वो 53 डिग्री बनाए हुए है, और इन्हें 20 न्यूटन, कितना है बाबू? 20 न्यूटन, ठीक है? और वेक्टर का नाम भी दे सकते हो आप, ये वो ये वेक्टर है, ठीक है? वो भी वेक्टर है, और एक क्या है ओसी वेक्टर, ठीक है? चलिए मुझे चाहिए, मुझे पता करना है, बताइए ओए वेक्टर प्लस ओबी वेक्टर प्लस ओसी वेक्टर क्या होगा? ठीक है बताइए, ओए वेक्टर को लिख सकते हैं बताओ जी बाबू? ओए वेक्टर प्लस कौन सा वेक्टर निकालना है? ओबी वेक्टर प्लस व्हाट? यही निकालना है ना, ऐसे समझने के लिए ओए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं बताइए जरा, ओरली बता सकते हो ना आप लोग? अरे ओए वेक्टर है ए कितना न्यूटन? 10 न्यूटन, बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? 10 cos 30 degree आई कैप, 10 cos 30 degree आई कैप प्लस 10 sin 30 degree, देखिए कितना अच्छा बच्चा है आप लोग, हो गया कि नहीं? अरे समझ आ रहा है? ओबी वेक्टर ओए वेक्टर कंप्लीट, चलो बताओ ओबी वेक्टर बताइए, ओबी वेक्टर बताइए, ओबी वेक्टर बताइए बाबू, ओबी वेक्टर इसको रिजॉल्व कीजिएगा तो क्या 10 cos 60 degree
टेन कॉस 60 डिग्री कौन सा कैप? वेरी गुड। और ए वाला कौन सा? इधर आएगा ना, टेन साइन 60 डिग्री कौन सा कैप? माइनस आई कैप। वेरी गुड। ये देख रहे हो कौन सा वेक्टर? ओ ए वेक्टर, यहाँ से यहाँ ओ ए वेक्टर रिजोल्व करा है हमने ना, फिर ओ बी वेक्टर को ए लिखा ना, फिर बताइए ओ सी वेक्टर, बताइए जरा ओ सी वेक्टर। हाँ, 20 cos 53 डिग्री कौन सा कैप बाबू? आई कैप। वेरी गुड। प्लस बताइए 20 sin 53 डिग्री कौन सा कैप? कोई प्रॉब्लम इसमें? क्या दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत? चलो समझ आ रहा है, गुड। अब बताओ यहाँ पे 10 cos 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू कितना जी? √3/2 ना, 10 × √3/2 आई कैप बाबू। प्लस 10 sin 30 का, 10 × कौन सा कैप? 1/2 कौन सा कैप? जे कैप। बस समझ में आता है? अच्छा, वेरी गुड। प्लस 10 cos 60 का वैल्यू बता सकते हो बाबू? cos 60 का वैल्यू हाफ ना, 1/2 आई कैप। प्लस 10 sin 60 का वैल्यू √3 ना, 10 × कौन सा बाबू? √3/2 कौन सा कैप? ये माइनस आई कैप। छूट गया था क्या? माइनस आई कैप है ना, कौन सा कैप? माइनस आई कैप। वेरी गुड। प्लस 20 cos 53, cos 53 का वैल्यू बाबू बताइए, याद है? अरे ट्रेंगल, जिसको नए हैं बाबू देख लीजिए आप, ये कितना है? ये 37 डिग्री होता है, कितना? 53 डिग्री। ये 3 और ये 4 और ये 5 यूनिट ना, एक 3x 4x 5x जो भी हो, ये 3 4 5 का रेशियो में रहेगा। बताइए जरा कितना हो गया, बताइए cos 53 का वैल्यू? 3/5। वेरी गुड। cos 53 का वैल्यू 3/5। वेरी गुड। कौन सा कैप बाबू? आई कैप। प्लस 20 sin 53, यह माइनस ले आऊँ क्या पहले? हाँ माइनस 20 sin 53 का वैल्यू, sin 53 का 4/5 कौन सा कैप बाबू? माइनस पहले निकाल क्या, ये भी माइनस पहले ले आऊँ क्या? यहाँ कर सकता हूँ ना ये सब, इतना तो सबको समझ आता है। चलिए अच्छा है, अब बताइए क्या हो जाएगा, बताइए जरा। 10 5√3 कौन सा कैप? आई कैप। गुड। प्लस ये कितना जी? 5। वेरी गुड। प्लस बताइए 5 आई कैप। क्या था? एजेक था ना, गलत छूट गया क्या? 5j कैप होगा क्या? हाँ 5j कैप। कौन सा कैप जी? 5j कैप हो गया क्या? अच्छा बताइए, फिर आगे बताइए। माइनस ये 5√3 है क्या? अच्छा यहाँ पहुंचे ना, माइनस 5√3 कौन सा कैप? आई कैप। प्लस बताइए 25 जा कौन सा कैप? 12 आई कैप। और फिर बताइए माइनस 60 जे कैप, ठीक है ना। अब बताइए कुछ कट रहा है क्या? 5√3 5√3 आई कट गया क्या? 5j 5j कैप क्या हो जाएगा बाबू? 10j कैप होगा क्या? हाँ। प्लस 12 आई कैप माइनस 16j कैप। बताइए 10 और माइनस 16 तो 12 आई कैप माइनस 60 कैप हो जाएगा क्या? बस समझ में आया कि नहीं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकल जाएगा कि नहीं? अब इसका मैग्नीट्यूड बोलेगा तो मैग्नीट्यूड तो निकल लेगा, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा ना इसका? बताओ, ध्यान देना जरा, इसका मैग्नीट्यूड बोलेगा, इसका मैग्नीट्यूड बताइए जरा। ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड आसानी से निकल जाएगा ना बाबू? दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? फर्दर यू कैन, कोई दिक्कत? मतलब ए जो वेक्टर है पूरा, वो वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं आप? देखिए ऐसे, यही ना हो गया पूरा रिजल्टेंट वेक्टर बाबू? 12 आई कैप मतलब इधर 12 यूनिट जाएगा, अरे बाबू, और इधर कितना? 6 यूनिट, अरे होगा ना, इसी तरह का ना होगा? अच्छा 12 आई कैप माइनस 6 जे कैप, सॉरी नीचे जाएगा ना, किधर जाएगा? नीचे जाएगा, किधर जाएगा बाबू? नीचे गया, 6 जे कैप होगा कि नहीं? तो अगर इसका डायरेक्शन पूछ देगा तो आप आराम से बता सकते हैं ना डायरेक्शन, एक एक्सिस से ही ना डायरेक्शन बताते हैं हमेशा यहाँ पे, तो ये बताइए ऐसे, ये ऐसे, यही ना वेक्टर हो गया जो रिजल्टेंट वेक्टर आया ये वाला, ये कौन सा वेक्टर पता चल रहा है ना? ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, नीचे लिख रहा है, दिख रहा है बाबू? ये कौन सा वेक्टर रहा? ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी। अरे यार वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन आसानी से आता है ना, ये क्या हो गया? ये 12 यूनिट रहा कि नहीं यहाँ से यहाँ, और इधर से इधर कितना रहा बाबू रे? 6 यूनिट रहा क्या? तो अब बताओ ए एंगल अगर आपसे पूछे तो एंगल बता सकते हो कि नहीं आप? थीटा या अल्फा जो बोल रहे हैं, तो 10 थीटा बताइए, 10 थीटा किसके बराबर? पी बाई बी 6/12, याद है ना? तो क्या हो जाएगा? हाफ।
तो बताइए थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव ना, ये सब पढ़ाया हुआ ना, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव ना। तुम लोग स्मार्ट बनना है, जब भी क्वेश्चन अगर आएगा तो ऑब्जेक्टिव देगा ना जी, क्या देगा वो? ऑब्जेक्टिव देगा। तो ऑब्जेक्टिव टॉर्चर करने के लिए दिया नहीं जाता, उसमें कुछ ना कुछ क्लू छुपा रहेगा। क्या छुपा रहेगा? कुछ क्लू, तभी ना ऑब्जेक्टिव बना है जी, नहीं तो सब लोग तो बना ही नहीं पाएगा। तो इसका क्लू तो ऐसे ही दिख रहा था कि नहीं, याद करो, ए 10 न्यूटन, ए 10 न्यूटन, ये 60 डिग्री एंगल है कि नहीं? अरे 30 डिग्री तो 60 डिग्री होगा, 10 न्यूटन 10 न्यूटन दोनों के बीच कितना? 120। रिजल्टेंट खुद ब खुद हो जाता कि नहीं? तो ये सब लिखने का जरूरत था, ये डायरेक्ट इधर क्या लिख देते आप, ये जो है था, अगर इसको अगर ऐसे लिखते यहाँ रिप्रेजेंट करते तो डायरेक्ट लिख सकते थे कैसे, बताइए जरा, ए 10 और ए 10, ये तो डायरेक्ट इधर 10 हो गया ना, कौन सा गैप? जे गैप। ए वेक्टर के बीच कितना एंगल? 120। याद है मैंने पढ़ाया ना आप लोग को, किसी दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है, उसके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट खुद के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाता है। अच्छा तो ये क्या हो जाता है, उधर 10 जे कैप होता कि नहीं? अब इसको ना केवल रिजोल्व करना पड़ता जी, एक ही वेक्टर को ना रिजोल्व करना पड़ता मुझे, ए 53 डिग्री था बाबू, तो आप लोग एक ही वेक्टर को रिजोल्व करते, तो इधर कौन सा कंपोनेंट आता बताइए? अभी जस्ट लिखे है ना, 20 sin 53 डिग्री, कौन सा कैप? माइनस जे कैप, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना है। और इधर कौन सा कंपोनेंट? 20 cos 53 डिग्री, कौन सा कैप? आई कैप। समझ आ रहा है? अब बताइए 20 sin 53 का वैल्यू पता है ना, 20 sin 53 का वैल्यू कितना आया? 12? नहीं नहीं 20 sin 53 कितना? 60। कितना आया बाबू? माइनस 16 जे कैप। अरे बताइए इसका कितना आया था? 12। आई कैप, पता चला। तो अब बताइए इस वेक्टर को अगर लिखते तो ऐसे लिखते डायरेक्ट ही नहीं, अच्छा 10 जे उधर, इधर माइनस 16 जे कैप, इधर कितना कैप? 6 जे कैप, नीचे है तो माइनस में है, माइनस 6 जे कैप, और इधर कौन सा? 12। आ गया कि नहीं? वही बस समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उतना हम लोग लंबा रिजोल्यूशन वगैरह नहीं करेंगे। बस समझ आया? नहीं समझ आया? ऑब्जेक्टिव इसी तरह का कुछ बना करके पूछेगा आपसे ना, उसी चीज पे ध्यान देना है। कॉपी कीजिए पहले, दिखा कि नहीं? ए 37 है तो 37 डिग्री है ना जी, तो वर्टिकली अपोजिट हो गया ना, वर्टिकल ओपोजिट नहीं। तो बताइए दोनों के बीच कितना एंगल? 180 डिग्री। तो ये दोनों तो ऐसे ही वैनिश कर दिया ना एक दूसरे को, मतलब ये रहे या ना रहे कोई फर्क पड़ेगा? बाबू समझ आया? इधर 20 न्यूटन, इधर भी 20 न्यूटन, दोनों के बीच कितना एंगल? 180। तो खत्म ना, केवल किसको रिजोल्व करना है? सब खत्म 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 खत्म, रिजोल्व इसको केवल करना रह गया ना ओबी को, ओबी को रिजोल्व कर दीजिए, ओबी को रिजोल्व कर दीजिए। क्या आएगा ओबी को रिजोल्व करने के बाद बताइए? ओबी कॉस 53 डिग्री, कौन सा कैप बाबू? आई कैप। प्लस ओबी साइन 53 डिग्री, कौन सा कैप बाबू? जे कैप। बात समझ आया कि नहीं? अब कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब भी अगर कभी कोई पूछ दे किसी से कोई भी वेक्टर का, आप रिजोल्यूशन करेंगे अंत में, रिजल्टेंट आएगा कुछ तो किस फॉर्म में होगा बताइए? ए आई कैप और बीजे कैप के फॉर्म में होगा कि नहीं जी? अरे यही ना होगा। अब मान लेते हो किसको रिजोल्व किया हो, बताइए जरा, पढ़ा हुआ है सब चीज, सोचने की जरूरत नहीं। मान लेते कोई भी वेक्टर ओपी था ना, ओपी, अरे यही ना था, ए थीटा था। ए आई कैप किसके बराबर है? ए आई कैप बोले तो ओपी कॉस थीटा ना, ओपी कॉस थीटा कौन सा कैप? आई कैप। और बीजे कैप बोले तो बोलो ओपी साइन थीटा कौन सा कैप? बात तय है ना, अरे यही ना है, यही ना पढ़ रहे हो। ओपी वेक्टर है उसका रिजोल्व करें आप लोग, ए ओपी कॉस थीटा कैप रहा, बीजे कैप क्या रहा? ओपी साइन थीटा जे कैप। कहने का मतलब ओपी का वेक्टर कौन सा? ओपी जो लिखे हो किसके लॉन्ग? एक्स एक्सिस के लॉन्ग, अरे यही ना। और ओपी लिखे हो किधर? वाई एक्सिस के लॉन्ग, यही ना है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि नहीं, आप अगर कभी पूछा जाए आपसे, एंगल पूछे, कुछ भी पूछे, कुछ भी पूछा जाए थीटा, तो थीटा इसके अपोन यही ना आता है जी। तो जब भी कोई वेक्टर आएगा, कभी भी कोई वेक्टर आया, तो आपका कोई भी वेक्टर आया तो इसी फॉर्म में ना आता है, ए आई प्लस ए आई कैप प्लस बीजे कैप के फॉर्म में आता है। कोई भी वेक्टर आया, आर वेक्टर ही समझ लिए, आता है। ये सभी जो भी आया, जो भी वेक्टर आया, वो आई कैप और जे कैप के फॉर्म में ही ना आया। तो एंगल क्या पूछ सकता है? एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से पूछ सकता है। तो आप खुद ब खुद टेन थीटा से नहीं चलोगे? टेन थीटा अगर निकालेंगे तो बी अपॉन आई, और अगर इसको थीटा मान लिए या थीटा डैश बोल दे, तो थीटा डैश किसके बराबर? ए अपॉन बी। आसानी से कर लोगे ना, कोई दिक्कत इसमें? कोई शक? जैसे लिखो तो एक क्वेश्चन छोटा सा,
द एंगल मेड बाय वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप विथ x एक्सिस एंड हेंस विथ y एक्सिस वेक्टर ही दे दिया। कौन सा वेक्टर दिया बाबू? 3i कैप प्लस 4j कैप। क्या करोगे आप? स्केच कर दोगे ना डायरेक्ट। देखो x एक्सिस हो गया और ये क्या है? इधर वाला y एक्सिस हो गया। गुड, ये ओरिजिन। चलिए तो क्या हो जाएगा बताइए? 3i कैप मतलब इधर 3 है और 4 किधर है बाबू? इधर है कि नहीं 4? तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर बनाइएगा तो अगर लिखना चाहें थोड़ा 3 छोटा लिख देता हूँ तो यही ना आएगा बाबू। ये कौन सा वेक्टर हो गया बताइए? 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है ना? तो आप बता सकते हैं ए एंगल अल्फा मान लेते हैं तो अल्फा बता सकते हैं कितना? x एक्सिस से एंगल अल्फा बना रहा है, कितना बना रहा है? अल्फा। और y एक्सिस से कितना? बीटा। तो x एक्सिस से कितना अल्फा निकल जाएगा ना? अल्फा, टेन अल्फा किसके बराबर बताइए? टेन अल्फा किसके बराबर? ए अपॉन ए। तो ये 4 है, सॉरी ये 3 है और ये क्या है? 4 है। तो टेन अल्फा किसके बराबर? 4 अपॉन 3। और टेन बीटा किसके बराबर? 3 अपॉन 4। पता है ना टेन बीटा इसके सामने परपेंडिकुलर यही ना हो जाएगा? 3 इंटू ए भी 3, ए 4, ए भी 4, यहां से यहां 4 ना, क्योंकि ए वाला 4 है तो ए भी 4, ए 3 है तो ए भी 3, ए रेक्टेंगल ही ना बनेगा जी, बस समझ में आता है। हालांकि अब आप लोग को जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें ओरली बनाना सीखोगे, 3D स्पेस में भी, मतलब स्पेस में भी निकालना सीख जाओगे एंगल x एक्सिस से कितना बना रहा है, y एक्सिस से कितना, z एक्सिस से कितना बना रहा है ना। एक थंब रूल दिमाग में बैठा ना, कौन सा वेक्टर रिजोल्व करेंगे? दो वेक्टर का रिजोल्व विचार, नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस नोर। अब यही चीज शिफ्ट होते चले जाएगा, जैसे कुछ न्यूटोनियन मैकेनिक्स में बात कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। आप लोग न्यूटन्स लॉ जो मोशन देखेंगे बहुत अच्छे से पढ़े हैं आप लोग, बहुत अच्छा अच्छा ड्राइंग बनता है तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। जैसे ऐसे ये स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस है, कैसा है बाबू? स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस। एक दो एग्जांपल लेता हूँ फिर आगे बढ़ चलेंगे, नहीं तो बोलोगे वेक्टर रेजोल्यूशन का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है तो दिक्कत हो जाएगा ना। चलो स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस है, क्या है ये? स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस है, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। क्या है जी? हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। स्मूथ का मतलब समझते हो ना, मतलब कोई फ्रिक्शन वगैरह कुछ है नहीं, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ ग्राउंड है। दिस इज व्हाट? हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ ग्राउंड। मान लेते हैं, ऐसा समझाने के लिए केवल, मान लेते हैं शुभम को ससुराल से एक बॉक्स मिला है, उस बॉक्स को मैं यहाँ रख दिया। बताओ ये जो शुभम का बॉक्स है वो m मास का, कितने मास का है बाबू? m मास का। अब वो बॉक्स वहीं चिपका रहेगा क्या? क्या बोलेगा? तो इसका मतलब ये है कि ए, अगर ए एंगल मैं मान लेता हूँ ऐसे समझाने के लिए थीटा है, तो ये नीचे की ओर आ रहा होगा ना, नीचे की ओर आ रहा होगा। तो अगर कोई पार्टिकल रखा हुआ है और ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, इसका मतलब उस पर कोई फोर्स लग रहा होगा कि नहीं? तो ऑब्वियस है, पता चल गया कि ये जो मोशन करेगा ब्लॉक वो किधर मोशन करेगा? ऑब्वियस है इसी के लोग मोशन होगा उसका, होगा कि नहीं बाबू? तो आप यहाँ पे थंब रूल मानिएगा, जिधर डायरेक्शन ऑफ मोशन रहा उधर ही एक्स एक्सिस सेट कर दोगे। क्या सेट करोगे? एक्स एक्सिस सेट कर दोगे। तो हमारा ये कौन सा हो गया? एक्स एक्सिस। डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसा मान लिया हमने उसको बाबू? एक्स एक्सिस। तो ऑब्वियस है परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी कंसीडर्ड एज वाई एक्सिस। अरे कंसीडर करोगे कि नहीं बाबू? कोई प्रॉब्लम? अभी भी नहीं समझ में आया? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है? अरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होता है कि नहीं? तो अब मेरा, मैं क्या बोला, जो भी डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा उसको क्या मान लेंगे? एक्स एक्सिस। इसको तो समझ में नहीं आ रहा, एकदम गुस्सा रहा, मनी मन चिपका देती होगी एकदम। अरे समझ में आ रहा है ना, कभी भी डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या मानेंगे हम लोग? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस शिफ्ट किधर कर दिए हम लोग? डायरेक्शन ऑफ मोशन के लॉ। तो अब यहाँ पे एक थंब रूल उसी को दूसरे तरीका से बोल सकते हैं ना, दोज वेक्टर्स विल बी रिजॉल्व्ड व्हिच इज नाइदर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन नॉर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन वही चीज है, बस केवल बोलने का तरीका बदल दिया न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, अगर पढ़ रहे हैं तो। तो अब बताइए इस पर कौन कौन सा फोर्स लगता है? आप लोग तो पढ़े हैं अच्छे से, बताइए, थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है ना?
एक वेट लगता होगा ना, इसका वेट लगता हो, वेट हमेशा किधर लगता है, अर्थ के सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ। तो एम मास है तो वेट कितना हो जाएगा बाबू, एम जी होगा कि नहीं, मास टाइम एक्सेप्शन टू ग्रेविटी आता है ना। अच्छा, एक कौन सा फोर्स है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, कैसा फोर्स है नॉन कॉन्टेक्ट। उसके बाद एक कॉन्टेक्ट फोर्स भी तो होगा, वो नॉर्मल, नॉर्मल हमेशा किधर लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया इन कॉन्टेक्ट, यही ना सरफेस एरिया कॉन्टेक्ट में है बाबू, इसी के परपेंडिकुलर लगेगा कि नहीं, ये क्या हो गया नॉर्मल। अब यहाँ तो आप बता सकते हो कि कौन सा वेक्टर रिजॉल्व करेंगे, कौन सा वेक्टर नहीं रिजॉल्व करेंगे, नॉर्मल को रिजॉल्व करेंगे क्या, क्योंकि वो तो वाई एक्सिस के अलोंग आ गया ना, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर ना हो गया, तो नॉर्मल को रिजॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन क्या है एम जी, एम जी है क्या, डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलल है क्या, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है क्या, या डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है क्या, नहीं, तो किसको रिजॉल्व करेंगे। बात तो पता चला ना, किसको रिजॉल्व करना है, किसको नहीं रिजॉल्व करना है, क्लियर हो गया। किसको रिजॉल्व करेंगे, एम जी को। क्यों रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि दिस वेक्टर इज नाइदर पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन नॉर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। एंड व्हाट अबाउट नॉर्मल, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट इज व्हाई इट विल नॉट बी रिजॉल्व, इज इट। तो आप बताइए रिजोल्यूशन के लिए किस पे, सीधे चक्कर आता है ना, थीटा ढूंढो, थीटा ढूंढो, थीटा ढूंढो, यही ना करते हो जी। अब बताओ ये थीटा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, बताइए ए थीटा तो कितना, तो ये वाला कितना, तो ये वाला थीटा हो गया कि नहीं। तो आज के बाद ये याद रख लीजिए, मतलब बार बार रिपीट नहीं करता, समझ आया, फिर से रिपीट करता, ए थीटा तो 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा कि नहीं, क्योंकि भी तो परपेंडिकुलर है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, जब पढ़े ना बचपन में, तो ये थीटा हो, तो याद रखना ए थीटा तो हमेशा ए थीटा हो जाएगा, बात समझ में आ गया। अब रिजोल्व करने की बारी है, एम जी को रिजॉल्व करो, अरे थीटा, चलो इधर, ये क्या हो गया बाबू बताइए, एम जी कॉस थीटा हो गया कि नहीं, और इसके परपेंडिकुलर जो है वो क्या हो जाएगा, याद रखना जो थीटा उसी के ना परपेंडिकुलर जाएगा। इधर भी रिजॉल्व करने, बहुत लोग कैसे कंफ्यूज हो जाता है, अच्छा इधर रिजॉल्व कर दिया एम जी कॉस थीटा, इधर एम जी साइन थीटा ले लेंगे, वो तो मैं पहले ही क्लियर कर दिया हूँ ना, जिसको रिजॉल्व करो तो बीच में ही ना रहेगा बाबू, अगर एम जी कॉस थीटा इधर रहा तो उधर सोचने की बात ही नहीं है, इसके इधर वाला साइड सोचना है, वो क्या हो जाएगा बताइए, एम जी साइन थीटा होगा कि नहीं। अब बताइए नॉर्मल और एम जी कॉस थीटा, इधर की ओर मोशन तो कुछ है नहीं ना, इसका मतलब नॉर्मल एम जी कॉस थीटा बराबर होता होगा, और नीचे कौन लाता होगा इसको, स्लाइड कौन कराता है, एम जी साइन थीटा स्लाइड कराता है, कौन स्लाइड कराता है, एम जी साइन थीटा स्लाइड करता है। तो अगर कोई नेट फोर्स इस पर एम जी साइन थीटा लग रहा है, तो नेट फोर्स तो इतना तो पढ़े हो ना आप लोग जी, नेट फोर्स किसके बराबर हो जाता है, मास टाइम एक्सेलरेशन के बराबर, अरे यही ना, तो एम एम उड़ जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बाबू, जी साइन थीटा। स्मूथ सरफेस पे किसी भी ब्लॉक को रखेंगे, स्मूथ सरफेस पे किसी भी ब्लॉक का रखेंगे तो सेम एक्सेलेरेशन से गिरेगा, बात समझ में आ रहा है। एक चींटी को छोड़ो यहाँ पे, चींटी और हाथी को एक ही साथ छोड़ोगे तो कौन सा से पहले पहुंचेगा, दोनों एक ही साथ पहुंचेगा ना, क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या है, डिपेंड कर रहा है मास पे, क्या जी, दिस एक्सेलेरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। थोड़ा बहुत मैं समझाते चल रहा हूँ, हालांकि इससे मुझे लेना देना नहीं, मेरा केवल काम था रिजोल्यूशन सिखलाना ना, लेकिन फिर भी सीख लो, दिस एक्सेलेरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो एक चींटी को रखो या फिर हाथ को, मतलब हाथी को रखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, एक्सेलेरेशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस, ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस, एक स्मूथ इंक्लाइंड, एक है स्मूथ सरफेस है, क्या है स्मूथ सरफेस पे इवेज है, वेज ये क्या है, स्मूथ सरफेस पे एक वेज रखा हुआ, जैसे एक स्मूथ टेबल है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ टेबल, स्मूथ टेबल है ना, टेबल, टेबल पे क्या है, वेज, क्या है, वेज, गुड, ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अ टेबल, दिस इज व्हाट, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अ टेबल। अभी फ्रिक्शन का कहीं जिक्र नहीं कर रहा हूँ ना, केवल कंपोनेंट रिजोल्यूशन सिखलाना है, ये क्या है वेज है, क्या है वेज, मान लेता हूं यहां पे अगर ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास एम है और वेज का मास कितना है, कैपिटल एम, इसका मास कितना है, स्मॉल एम, कितना मास है बाबू, मास ऑफ ब्लॉक दिया हुआ कितना है, एम, बताओ कोई दिक्कत। अब बताओ मैं एक केवल पूछ रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन मैं दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन, तो आप बताइए इस वेज को किधर हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन इम्पार्ट करें कि ब्लॉक नहीं गिरे,
तो ऑब्वियस है कि अगर पीछे देंगे तो तुरंत ना गिर जाएगा वो जी, तो ऑब्वियस इसको आगे की ओर अगर खींचेंगे तो ब्लॉक नहीं गिरेगा। बात समझ में आ रहा है? ये सब डिस्कस करा जाएगा पहले, लेकिन अभी रिजोल्यूशन पे गौर करना। मैं मान लेता हूँ इस पर इधर दिया, देखो इधर एक एक्सेलरेशन दे दिया ए, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इंपार्टेड टू विच, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इंपार्टेड टू विच, इंपार्टेड टू विच, सो दैट दिखी देता हूं विच, सो दैट ब्लॉक प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड सरफेस ऑफ वेज, प्लेस्ड ऑन स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस ऑफ वेज, प्लेस्ड ऑन स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस ऑफ वेज रिमेन्स एट रेस्ट, रिमेन्स एट रेस्ट। सिंपल सा लॉजिक है ना, इधर खींचोगे तभी ना, देखो ना कभी भी ऐसे रखा हुआ ऐसे देखते हो, बहुत सारा ऐसा एग्जांपल मिलेगा, ऐसे रखा हुआ ऐसे गिरना चाह रहा है, लेकर कैसे दौड़ेंगे तो गिरेगा क्या? नहीं गिरता। समझ आ रहा है? तो अभी तो उतना चीज मैं नहीं जानना चाह रहा हूं मैं, लेकिन केवल इतना सिखा ला दे रहा हूं कि ये अगर नहीं गिर रहा होगा तो क्यों नहीं गिर रहा होगा बता देता हूं। जैसे देखो वेज एक्सेलरेटेड फ्रेम है, क्या है वेज? एक्सेलरेटेड फ्रेम है। वेज क्या है? फ्रेम है, एक्सेलरेटेड फ्रेम है, मतलब ए एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो इस पर रखा हुआ है ये देखो ये ब्लॉक रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? ब्लॉक। तो अभी उतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना तो तय है किसका अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन होता, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन होता या मोशन होता इसका, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा यही ना होता बाबू। अगर मोशन होता तो डायरेक्शन ऑफ मोशन यही ना होता, उड़ तो नहीं जाता ना, क्योंकि इधर खींच रहे हो ना। एक पार्टिकुलर एक्सेलेरेशन से कम रखोगे तो ये नीचे की ओर आएगा, और एक पार्टिकुलर एक्सेलेरेशन से ज्यादा रखोगे ऊपर की ओर जाएगा, यही ना होगा। लेकिन मुझे एक्सेलेरेशन का वो वैल्यू निकालना है जब ये रेस्ट में होगा, बात समझ में आ रहा है? तो अभी तो उतना नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी ये पढ़ना है, देखना कि इसमें एक सूडो फोर्स आता है कॉन्सेप्ट, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है, मैं अभी बता देता हूँ। सूडो फोर्स क्या होगा? इसकी जस्ट अपोजिट लगेगा, और इसका क्या होगा? इसका मास और इसका एक्सेलेरेशन के बराबर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ दिस मास एंड दिस एक्सेलेरेशन, ये सूडो फोर्स होगा। मैं अभी केवल बता देता हूँ एमए, एमए क्या है? सूडो फोर्स है, याद रखना। सूडो फोर्स इज ऑलवेज बोल सकते हैं सूडो फोर्स इज जस्ट अपोजिट टू द एक्सेलेरेशन ऑफ, एक्सेलेरेशन ऑफ आगे पढ़ते चले वेज फ्रेम, एक्सेलेरेशन ऑफ वेज फ्रेम, सूडो फोर्स इज जस्ट अपोजिट टू द एक्सेलेरेशन ऑफ वेज फ्रेम, इज इट? एंड व्हाट इट्स मैग्नीट्यूड? इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलेरेशन ऑफ द वेज फ्रेम, इज इट? कोई कंफ्यूजन? सूडो फोर्स भी तो एक फोर्स ही ना है जी, तो वेक्टर क्वांटिटी ना है, तो पूछोगे ना किसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? याद रखना मास ऑफ द ब्लॉक एंड एक्सेलेरेशन ऑफ द वेज, इज इट? व्हाट अबाउट इट्स डायरेक्शन? जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ वेज ना। आगे चल करके पढ़ोगे इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम वगैरह सब पढ़ाया जाएगा। अब इतना मैं बना दिया, ठीक है ए में। अब नीचे की ओर याद ही है आप लोगों ने एम जी लगता है, अरे पता है ना, और इधर की ओर सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगता है, लगता है कि नहीं? अब ये कितना वेक्टर आया, ए थीटा यहाँ पे ले लिया, थीटा कंसीडर करा हुआ है, थीटा कंसीडर करा हुआ है, बात समझ में आ रहा है? अब आपसे पूछा जाए कौन कौन सा वेक्टर रिजोल्व करें और कौन कौन सा वेक्टर नहीं रिजोल्व करें। mg रिजोल्व करेंगे, q रिजोल्व करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन और मोशन के मतलब टेंडेंसी तो इधर ही ना है जी। अगर होता मोशन तो इसी अलोंग ना होता, तो नहीं पैरेलल है नहीं परपेंडिकुलर। सूडो फोर्स जो है अभी ma जो है, ma एक फोर्स मान लो ना, वो भी ना डायरेक्शन और मोशन के पैरेलल है नहीं परपेंडिकुलर। नॉर्मल क्या है? डायरेक्शन और मोशन के पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो बार बार सेट नहीं करते रहेंगे फिर भी, लेकिन यहां लिख देता हूं, ये क्या हो गया आपका बताइए? यही ना आपका एक्स एक्सिस है बाबू, और ये क्या होता है आपका बताइए जरा? ये वाई एक्सिस होता है कि नहीं? तो आप रिजोल्व कर सकते हो कि नहीं? अब बताइए, ए थीटा पे थीटा अभी जस्ट सिखलाया हो ना, ए थीटा तो डायरेक्ट ए थीटा लिखना सिखलाया हो कि नहीं बाबू? अरे सुबह से पढ़ाया गया है, गुड। अब ए थीटा पे कितना हो जाएगा बताओ? 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं बाबू? या फिर ये थीटा ए वाला भी थीटा लिख सकते हो कि नहीं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का नाम सुने हो ना,
ए थीटा ते थीटा नहीं हो जाएगा, तब रिजोल्यूशन आसान हो गया खत्म। थीटा पता चल गया तो रिजोल्यूशन कर ही नहीं लेंगे। तो अब बताइए क्या होगा, एम जी का दो कंपोनेंट बताइए, इधर कौन सा भाग, एम जी साइन थीटा, पहले तो कॉस थीटा इधर आ गया ना, इधर कौन सा एम जी कॉस थीटा, और इधर कौन सा एम जी साइन थीटा, हो गया ना। एम जी को रिजोल्यूशन क्या हुआ है ना, पहले भी किए हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, एम ए का रिजोल्यूशन बताइए, ए थीटा है ना, तो थीटा वाला किधर जाएगा, इधर ना जी, तो ए एम ए कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम, और इधर कौन सा आएगा, क्योंकि एम ए को रिजोल्व किया तो एक इधर, तो एक इधर ही ना आएगा जी, उसको बीच में रखना है ना, क्या हो जाएगा एम ए, बहुत छोटा हो जा रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा, एम ए साइन थीटा, दिख जाएगा बाबू, ये कोई दिक्कत, समझ आया आप लोग को, तो आप बता सकते हैं आप, रेजोल्यूशन का काम खत्म। अगर आपको लिखना है कि रेस्ट में रहने के लिए क्या चाहिए, तो एम जी साइन थीटा एम ए कॉस थीटा के बराबर तो रेस्ट में नहीं हो जाएगा ना, अगर एम जी साइन थीटा एम ए कॉस थीटा के बराबर हो गया तो रेस्ट में रहेगा, तो फॉर ब्लॉक टू, फॉर ब्लॉक टू रिमेन एट रेस्ट, टू रिमेन एट रेस्ट, ये सब बाद का चीजें सब सीखोगे आप लोग, लेकिन अभी बता रहे हैं तो लिख दो डायरेक्ट, क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट, एम ए कॉस थीटा, कट गया एम एम, तो क्या है बाबू, ए इक्वल्स टू जी टेन थीटा आया क्या, देखो ना नीट में आया हुआ आप लोग का क्वेश्चन है, मैं मान लेता हूँ ऐसे समझाने के लिए, क्यों ए एक रिंग है, क्या है, एक रिंग है, दिस इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग, पॉजिटिव चार्ज क्यू दिया हुआ है शब्द पे, इसका रेडियस कितना है आर, एक्सिस पे फील्ड पता करना है, मान लेता हूँ एक पॉइंट पी पे, इससे कितना डिस्टेंस है, इसका सेंटर ओ से एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, कहाँ पे निकालना है हम लोग, एक्सिस पे फील्ड निकालना है, तो वेक्टर रिजॉल्व करना है, तो याद करो थोड़ा बहुत, अगर ट्वेल्थ याद होगा, याद होगा तो याद होगा, ऐसे नहीं याद है तो भी याद कर लो, क्या करते हैं हम लोग, कूलम्ब फ्लो में छोटा सा चार्ज कंसीडर करा जाता है डी क्यू, और इसके वजह से इस पे फील्ड निकाल लेते हैं, छोटा चार्ज की वजह से छोटा फील्ड, तो क्या हो जाता था डी, यहाँ पे थीटा आपको दिया है, मान लेते हो ये थीटा मान लेते हैं, तो डी को रिजोल्व करोगे तो रिजोल्यूशन तो आसान हो गया ना, एक अलोंग द एक्सिस कौन सा डी कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर कौन सा इसके परपेंडिकुलर डी साइन थीटा, सॉरी गलत हो गया जी, ये डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा, ऐसा ना होगा जी, ऐसा कभी होगा, इसको रिजोल्व किया हो तो इधर तो नहीं ना होगा जी, ये गलत रहा ये सही रहा ना, ये सब याद रखिएगा, जरूरी है ध्यान देना, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ना, बाकी तो सब ठीक है, ध्यान देना है, चलिए अच्छा है, मैं पहले भी मेंशन करा था आप लोगों को याद है ना, जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है, अभी तो दो ही प्रोडक्ट पढ़ेंगे ना, दो वेक्टर का प्रोडक्ट पढ़ेंगे, फिर अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं आगे भी पढ़ा दूंगा ना, तीन वेक्टर का भी प्रोडक्ट पढ़ा जाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये सब नाम है, समझ आ रहा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, लेकिन उस पर नहीं जाना, अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, कितने वेक्टर्स का, कौन कौन सा वेक्टर्स का, हमने कौन सा वेक्टर कंसीडर करा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एक वेक्टर है जिसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, मान लेते हैं एक वेक्टर का नाम है, उसको याद रखिएगा, मैं पहले भी मेंशन किया हूं शायद, एक है डॉट प्रोडक्ट, क्या है डॉट प्रोडक्ट, और एक है क्रॉस प्रोडक्ट, क्या है क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का ही बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को ही क्या बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट, इसी को बोलिए या स्केलर प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट को ही क्या बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट, नाम से ही पता चल गया, नाम से अगर पता चला तो इसका मतलब क्या हो गया, एक ऐसा क्वांटिटी रहा होगा जो आया होगा स्केलर रहा होगा, क्या रहा होगा जी बाबू स्केलर रहा होगा, क्या रहा होगा स्केलर रहा होगा, वेरी गुड, तो स्केलर रहा होगा तो किसमें इंटरेस्ट लेना है केवल आपको मैग्नीट्यूड में, किसमें इंटरेस्ट लेना है केवल मैग्नीट्यूड में, अच्छा एक किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा बोल ही रहा है कि वेक्टर प्रोडक्ट है, तो क्या होगा वेक्टर होगा, क्या होगा वो वेक्टर होगा,
और अगर ये वेक्टर हुआ तो इसका मतलब इसमें किसमें इंटरेस्ट लेना है जी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में गौर करना है। मैग्नीट्यूड इसका क्या निकलेगा और डायरेक्शन इसका क्या होगा। बात समझ आया? कोई प्रॉब्लम? डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स ए एंड बी, हम लोग दो ही वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे ना अभी, ठीक है? तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। ये सब झूठ मूठ का सारे लोग बोलते हैं तो मैं भी बोल दे रहा हूँ कि देखो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। वो वेक्टर ए है ना, यहाँ डॉट दो और ये वेक्टर बी ऐसे लिख दो, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ये सब बेकार की बातें, उस पर ध्यान मत देना। लेकिन इतना तय है कि अगर दो वेक्टर के बीच डॉट लिए हो तो उसका मीनिंग अलग होगा, और अगर ए लिखे हो ऐसे ए डॉट बी तो इसका मीनिंग अलग होगा ना। ये दोनों अलग चीज़ है, लिखना भी गलत है ना। ए डॉट का मीनिंग हुआ कि मतलब वेक्टर बी को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख रहे हो इसका मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? स्केलर। तो कभी भी अगर पूछे कि ई डॉट डी एस, फ्लक्स पढ़े हो ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जी, ई डॉट डी एस दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो फ्लक्स कैसा क्वांटिटी? स्केलर। वर्क डन पढ़े हो ना, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू ए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी एस तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, तो वर्क डन कैसा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़े हो ना, बी डॉट डी एस तो बी कैसा वेक्टर? डी एस है ना एरिया वेक्टर, तो क्या हो वेक्टर को वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कराया हो तो आया जो रिजल्टेंट वो क्या होगा? स्केलर। बात समझ आ रहा है ना? तो अगर ए डॉट बी निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा? याद रखिए, मैं मान लेता हूं वेक्टर ए है, कोई भी ए वेक्टर क्या है? वेक्टर ए है, तो ऑब्वियस है वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इट मींस इट विल हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन। द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट इट्स मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट इट्स मैग्नीट्यूड, इज इट? एंड वी हैव कंसीडर अनदर वेक्टर, एंड आई हैव ऑलरेडी टॉल्ड यू हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हैव आई टॉल्ड यू और नॉट? अरे एंगल निकालना सिखलाया गया है कि नहीं? तो ए वेक्टर बी है, कौन सा वेक्टर है? बी, तो ऑब्वियस है इसका भी कुछ लेंथ होगा, मतलब मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है बी? और याद करो तो दोनों वेक्टर के बीच एंगल निकालने के लिए क्या बतलाया गया था? उनके टेल्स को कोइंसाइड करा दो, या दोनों वेक्टर डाइवर्ज करना चाहिए। अरे भी डाइवर्ज ही ना कर रहा है दोनों, तो अगर दोनों को टेल कोइंसाइड करा तो जो स्मॉलर एंगल होता है यही ना स्मॉलर एंगल है, वही ना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है बाबू, थीटा। थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन, अरे बोलो ना रे, वेक्टर्स कौन सा? ए एंड बी। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब मैं पहले भी बोला हूं, बार बार क्या बोलूं, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट दैट? दिस इज व्हाट बी, ये क्या है बाबू? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इज इट? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। बात समझ आता है? तो अगर कभी भी किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पूछे आपसे ना, तो याद रखना दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड को प्रोडक्ट लेना और किसका एंगल लेना, किसके साथ प्रोडक्ट कर देना, इन दोनों के बीच जो एंगल है ना उसका कोसाइन के साथ प्रोडक्ट कर देना, तो क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा। समझ आ रहा है? क्या रहा? ए बी कॉस थीटा। बताओ देखो क्या रहा? ए बी कॉस थीटा। अब पता चला ए क्या है, किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बाबू? वेक्टर ए का। बी किसका मैग्नीट्यूड है? वेक्टर बी का। और कॉस थीटा क्या है? थीटा एंगल। थीटा बताओ, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब बताओ ए भी क्या है, बताइए जरा, ए क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड। बी भी क्या है और कॉस थीटा भी क्या है? अरे यूनिटलेस डायमेंशनलेस, उसमें तो कुछ है ही नहीं ना। तो अगर ये बात करो तो ये पूरा जो नंबर आएगा वो एक रियल नंबर आएगा कि नहीं, एक स्केलर नंबर आएगा कि नहीं, स्केलर नंबर होगा कि नहीं, स्केलर क्वांटिटी होगा, और एक कौन सा, एक रियल नंबर ही ना आएगा। अरे एक कुछ वैल्यू होगा, बी होगा, बाद में कुछ यूनिट वगैरह होगा, वो अलग चीज है, लेकिन क्या होगा? रियल नंबर ही ना आएगा जो वैल्यू आएगा वो। तो याद रखिएगा एक रियल नंबर आएगा। समझ आ रहा? तो यही क्या है? दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट।
मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, और ए क्या है और बी क्या है? इसका मतलब फिर से वही बात ना, व्हेन एवर यू आर टू टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यू हैव टू स्पेसिफाई थ्री थिंग्स एट ए टाइम, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन देम, इज इट? बात समझ में आता है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम? तो ये डॉट प्रोडक्ट किस वेक्टर का रहा? ए वेक्टर और वेक्टर बी का, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, आप अगर सोच करके देखो, अगर मैं बी डॉट ए निकालता, क्या निकालता? बी डॉट ए, फिर क्या होता बताइए? यहां भी क्या लिखते, बोलिए, बी पहले ए कॉस थीटा, बताओ इस, ये भी क्या है? वही ना रहा जी। तो ए डॉट बी निकालो या बी डॉट ए निकालो, कोई बात पे फर्क पड़ेगा क्या? बी ए कॉस थीटा लिखो या ए बी कॉस थीटा लिखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? ए प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता ही ना है जी, थ्री को फोर में मल्टीप्लाई करो या फोर को थ्री में मल्टीप्लाई करो, ट्वेल्व ही ना आएगा। तो यहां से तो तय हो गया कि चाहे ए डॉट बी निकालना हो चाहे बी डॉट ए निकालना हो, कोई कंफ्यूजन का चक्कर नहीं है यहाँ पे। अब बोलो क्यों मैं इसको इम्फेटिकली स्ट्रेस करके बताऊँ? रीजन सिंपल सा है कि क्रॉस प्रोडक्ट में अंतर होगा लेकिन डॉट प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं होगा। तो याद रखना, ए डॉट बी निकाले या बी डॉट ए लिखने, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको आसानी से निकालो, एक ही चीज है, कोई प्रॉब्लम? तो यहां से कंक्लूजन निकला, ए डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट? बी डॉट ए, मतलब एक कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, इसको बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ ना, क्या है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ वेक्टर्स फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत है आप लोगों को? अच्छा रुक जाइए, अभी ध्यान दीजिए, जैसे मैं कुछ नोट्स करके समझा रहा हूँ उसको समझिएगा अच्छे से, फिर बाद में बात करेंगे, बहुत कुछ सीखना है, सीखना है। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कोई वेक्टर हमने कंसीडर करा, छोड़ो ना, एक समझ ही लो, आप लोगों को पढ़ा हुआ है आप लोगों का ना जी सिस्टम, ये कौन सा सिस्टम है? थ्री सिस्टम है ना, अरे यही ना पढ़े हो रे बाबू, एक से और एक क्या, ये वाई मानते थे इसको हम लोग, और इसको क्या मानते थे? एक एक्सिस के अलावा कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर कंसीडर कर रखे हो पहले से? आई क्या वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग, कोई प्रॉब्लम? बताओ आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड और जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और के वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है कि नहीं जी? अरे सब तो यूनिट वेक्टर है, वन ही ना मैग्नीट्यूड होगा, कोई प्रॉब्लम? अब बताओ तो आई वेक्टर और आई वेक्टर के बीच कितना एंगल, आई वेक्टर के बीच कितना एंगल? जीरो डिग्री। I वेक्टर और J वेक्टर के बीच कितना एंगल? 90 डिग्री। J वेक्टर और K वेक्टर के बीच कितना एंगल? K वेक्टर और I वेक्टर के बीच कितना एंगल? J वेक्टर और J वेक्टर के बीच कितना एंगल? बात समझ में आ रहा है? एंगल बिटवीन I वेक्टर एंड J वेक्टर क्या होगा बाबू? 90 डिग्री। लेकिन अगर एंगल पूछ दिया जाए, एंगल बिटवीन I कैप एंड I कैप, तो क्या हो जाएगा बाबू? जीरो डिग्री होगा कि नहीं? तो ये बात याद रखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए आई डॉट आई क्या होगा, अरे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ना ले रहे हैं हम लोग, तो आई डॉट आई बताइए पढ़ाया क्या गया है? मैग्नीट्यूड आई का वन, आई का वन और दोनों के बीच कितना एंगल जी? जीरो डिग्री। कॉस जीरो कितना हो गया? वन इंटू कॉस जीरो वन, ये रियल नंबर है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम? सिमिलरली अगर बताया जाए जे डॉट जे अगर बताया जाए तो क्या लिखेगा? वन इंटू कॉस जीरो डिग्री क्या आएगा? वन, कोई प्रॉब्लम है? वैसे ही के डॉट के कैप लिखे तो क्या आएगा बाबू बताइए? वन डॉट डॉट नहीं है मतलब लिखा वन इंटू कॉस जीरो डिग्री, ये भी क्या होगा? वन। मतलब आई डॉट आई हमेशा क्या होगा? जे डॉट जे हमेशा क्या होगा? के डॉट के क्या होगा हमेशा? वन। बात समझ में आता है? अच्छा, लेकिन अगर यहीं पे अगर बात करा जाए, मैं बोलू i डॉट j बताओ तो जरा, हाँ i का मैग्नीट्यूड 1, j का मैग्नीट्यूड 1 और दोनों के बीच एंगल कितना, तो कितना cos 90 का वैल्यू? 0। cos 90 का वैल्यू 0, तो i डॉट j क्या हो जाएगा जी? तो सिमिलरली आप अब तो समझ सकते हो ना, j डॉट k भी क्या हो जाएगा? 0। k डॉट i भी क्या होगा जी? 0। तो इसको याद रख लीजिएगा आज के बाद ना, ये आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए कि i डॉट i जो होता है,
जे डॉट जेड होता है, के डॉट के जो होता है वो सारा क्या होता है? जीरो। कोई प्रॉब्लम? अच्छा वन क्या होता है? वन। अब I डॉट जे प्लस सॉरी इक्वल टू जे डॉट के या फिर के डॉट आई, इस सब का वैल्यू कितना होता है बाबू? याद रहेगा? कैन आई स्टॉप राइट नाउ? अब रुक सकता हूं मैं। चल।